अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, खैरियत करता हूँ आप सब उम्मीद से होंगे। मेरा आज का व्लॉग है सात नासा पर। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, यार ये सात नासा किसे कहते हैं, क्या मतलब होता है इसका। ये हमारे कश्मीरी तो समझ सकते हैं, लेकिन मेरे जो बिलियंस में व्यूवर्स, उनको समझ में नहीं आएगा यार। तो उनकी इसलाह के लिए मैं बताऊंगा कि सात नासा किसे कहते हैं, क्या मतलब होता है इसका। नास का मतलब होता है नोज होल, नोज मीन नाक, एंड जैसे नोज होल होते हैं ना, वो जगह भी कुछ ऐसी ही है। और सात नासा उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ऐसे सात जगहें और बिल्कुल ऐसे दिखाई देती हैं जैसे हमारे नोज़ के होल्स होते हैं और सात होल्स एक साथ हों, बिल्कुल ऐसी जगह है। वीडियो के आगे चल के आपको वो भी दिखाऊंगा। सात नासा जो जगह है वो एक चश्मे की वजह से थोड़ी ज़्यादा मशहूर हुई, दूध का चश्मा, वहाँ भी लेके चलेंगे आपको। वहाँ जाते वक्त रास्ते में मुझे तीन हिरन मिले। अरे ये शायद हिरनी है, बेचारी बदनामी के डर से पीछे चली गई। मेरी बाकी वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी एहतशाम भाई मेरे साथ थे। एक्चुअली मुझे इस जगह के बारे में भी एहतशाम भाई ने बताया था। उस जगह जाने का तकरीबन ज़्यादातर रास्ता पैदल है और रास्ता भी इंतहाई कठिन। मैं अपने व्यूअर्स को अच्छी वीडियो प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी दूर दूर तक जाता हूँ, कई मुश्किल रास्तों से गुजरता हूँ, फिर पूरा पूरा दिन बैठ के वीडियो एडिट करता हूँ। और इंटरनेट की सर्विस में कमी की वजह से पूरी पूरी रात लग जाती है वीडियो अपलोड करने में, लेकिन पिछली तीन चार वीडियोस में मुझे रिस्पांस नहीं मिल पाया। पिछली तीन वीडियोस में मैं सिर्फ 6 सब्सक्राइबर गेन कर पाया, लिहाजा रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि मेरे वीडियोस खुद भी देखा करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। मैं इस झंडे, इन रंग बिरंगे कपड़ों और इन लटके हुए हारों का राज तो नहीं मालूम कर पाया, लेकिन दूर से देख के मुझे ये ज़रूर पता चल गया था कि मैं उस दूध वाले कुएं तक पहुंच चुका हूं। ये रहा वो चश्मा जिसे पुराने वक्तों में पानी की जगह दूध निकला करता था। इस चश्मे का पानी ठंडा होने के साथ साथ एक सेपरेट जायका रखता है। इसको हमारी लैंग्वेज में रंगड़ बोलते हैं। जब बारिश आता है तो इसमें पानी आता है,
जब ज्यादा बारिश आता है तो इसमें ज्यादा पानी आता है। यार मैंने गलती कर दी, मैं यहाँ बाइक पे नहीं आना चाहता था, हेलीकॉप्टर लाना था मैंने अपना। रात को मैंने सही सलामत गैरेज में खड़ा किया उसे। सुबह जब उठा तो उसके टायर से हवा कम थी, बस फिर बैठ गया बाइक पे और आ गया। क्या पता था ऐसी हालत होनी है मेरी। काफी खतरनाक रास्ता था यार, बस मेरा एक पांव स्लिप होने की देर थी, फिर मेरा दूसरा पांव भी स्लिप हो जाता। मेरे तमाम छोटे मोटे काले चिट्टे टूटे हुए दिल वाले, जुड़े हुए दिल वाले, औरतें बच्चे बूढ़े मर्द, जितने भी व्यूवर्स हैं, अगर आपके जहन में कोई ऐसी जगह है जहां पे मुझे विजिट करना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह जरूर उस जगह का विजिट करूंगा। आपके सामने जो जगह है इसको कहते हैं सतना सौन। वैसे जैसा मैं सुन के आया था कि बिल्कुल नोज होल्स जैसी दिखती हैं जगह, सेम वैसे तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत सिमिलर है। और इस जगह का व्यू लेने के लिए मैं इतनी बुलंदी पे आया, काफी मुश्किलात पेश आई लेकिन ऊपर आके दिल खुश हो गया ये व्यू देख के। फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारा जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो होगा बारल किला पे। फिलहाल मेरे पास उस किला की कोई तस्वीर वगैरह नहीं पड़ी हुई, वरना मैं इसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर देता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।